हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में छात्रों की भूख हड़ताल जारी। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित पीजी कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने दो छात्रों की भूख हड़ताल रविवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रही। धीरज गुर्जर व दीपक कुमार ने कॉलेज में चार सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले दिनों भूख हड़ताल शुरू की थी, जो कि रविवार को बारिश के बीच भी जारी रही। इस बीच जालौर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और एसडीएम राजेंद्र सिंह राठौर ने धरना स्थल पर जाकर छात्रों के साथ समझाइश की कोशिश की और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। छात्रों ने बताया कि पूर्व में भी छात्र आंदोलन किए गए हैं, लेकिन बदले में उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। एसडीएम राजेंद्र सिंह ने छात्रों से समझाइश करते हुए उन्हें भूख हड़ताल पर नहीं रहने की सीख दी, जबकि छात्र नहीं माने। इधर जालौर में रविवार को सवेरे दिन भर बारिश का सिलसिला चलता रहा, बावजूद इसके छात्र आंदोलन पर कायम रहे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।